उदाहरण एक, एक कमरा घनाभ के आकार का है जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। यदि पुताई कराने की दर 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो कमरे की चारों दीवारों और छत की पुताई करवाने में कितने रुपए खर्च होंगे? बच्चों, मान लीजिए कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर। बच्चों, हमें कमरा जो कि घनाभ के आकार का है उसके दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कमरा घनाभ आकार का है इसलिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। तो बच्चों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने देख लिया, आधार का परिमाप गुणित कमरे की ऊंचाई बराबर 2 L धन B गुणित H। बच्चों, आइए अब हम L, B और H का मान रखें, तो ये हो जाएगा 2 गुणित कोष्ठक के अंदर। बच्चों, L का मान हमारे पास था 12 और B का मान जो कि चौड़ाई है वो था 8 और H जो कि कमरे की ऊंचाई को व्यक्त करता है उसका मान है 4। तो यदि हम इसका गुणा करें बच्चों तो क्या हो गया, 12 और 8 20, 20 गुणित 2 40 और 40 का 4 से गुणा 160 वर्ग मीटर। बच्चों, आइए अब हम छत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छत का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों ये लंबाई, छत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणित चौड़ाई के बराबर होगी, अर्थात इसको हम लिखेंगे L गुणित B। अब बच्चों, L का मान कितना है देखिए, 12 और B का मान है 8, तो 12 अट्ठे 96 वर्ग मीटर। इसलिए कुल क्षेत्रफल जिसमें
पुताई करवाना है बराबर। तो बच्चों हमको पुताई कहां कहां करवाना है, चारों दीवारों पर और साथ में छत पर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बच्चों हमने देखा 160 वर्ग मीटर और छत का जो क्षेत्रफल है वो 96 वर्ग मीटर है। तो कुल जो क्षेत्रफल आएगा वो होगा 160 धन 96 बराबर 256 वर्ग मीटर। बच्चों पुताई की दर हमें दी हुई है जो कि 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसलिए तो बच्चों पुताई की दर हमको दी हुई है 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। अतः छत सहित कमरे की पुताई कराने का खर्च बराबर कुल क्षेत्रफल जिसमें पुताई करवाना है गुणित पुताई की दर जो कि बच्चों 7 है। तो ये हो गया कुल क्षेत्रफल कितना हमने बच्चों कैलकुलेट किया था, ये था 256 256 गुणित 7। हम जब 256 में 7 का गुणा करते हैं बच्चों तो हमारे पास कैलकुलेशन आता है 1792 रुपये। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है उसके चारों दीवारों और छत की पुताई कराने का खर्च 1792 रुपये आया। और इस प्रकार हमने इस प्रश्न का हल कर लिया। करके देखें, कुछ मित्रों के साथ अपनी कक्षा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मापकर ज्ञात कीजिए कि पहला कमरे की खिड़कियों दरवाजों के क्षेत्रफल छोड़कर कमरे की दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा इस कमरे में पुताई करवाना हो तो कुल कितने क्षेत्रफल की पुताई करानी होगी, तीसरा आपके शहर अथवा गांव में पुताई की दर कितनी है, उस दर से कमरे की दीवारों पर पुताई कराने में कितना खर्च करना पड़ेगा।